ठीक, आप देख रहे हैं द पंचायत। आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली रुकी हुई है। करीब 19 लाख रोजगार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वादा किया था, कहीं न कहीं वो रोजगार नहीं दिख रहा है। इसी बीच आपको हम बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थी या फिर अन्य अभ्यर्थियों आए दिन पटना की सड़कों पर रहते हैं, धरना पर बैठते, लेकिन उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। 2019 से एसटीईटी अभ्यर्थी भटक रहे पटना की सड़कों पे, या फिर अन्य अभ्यर्थियों वो भी भटक रहे हैं। आपको हम बताते चले कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शादी रुक गई है, या फिर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नौकरी होगी उसके बाद शादी होगी। कुछ महिलाएं अभ्यर्थी भी, उनकी भी ऐसे ही कुछ हाल है। इसी बीच आज हमारे साथ बात करने के लिए एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी अर्जुन है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला है और अभी तक नौकरी क्यों नहीं मिली। अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे मुद्दे को लेकर के सीरियस द पंचायत न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यह बताने की कोशिश करता हूँ कि बिहार में जो सरकार 19 लाख रोजगार की वादों के साथ आई है, मैं तो बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि सर 19 लाख रोजगार को यदि आप 5 सालों में डिवाइड कीजिएगा तो तकरीबन 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष होंगे, और आप ये 5 लाख रोजगार जो प्रतिवर्ष हो रहे हैं उसमें से एक छोटी सी टुकड़ी हम शिक्षक अभ्यर्थी को दे दें। हमारी सरकार जो नीति सरकार है ये कहती है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाह रहे हैं, बिहार को पुनः उसी नालंदा विश्वविद्यालय और ज्ञान की जो नगरी हमारा बिहार था उसी के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि बिना शिक्षकों के कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारूप फिर से तैयार होगा, बिना शिक्षकों के कैसे, बिना गुरु का ज्ञान कैसे हमारे बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को मिलेंगे। इसमें सरकार से मैं हमेशा निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से ये हताहत हैं, उन्हें जल्द से जल्द आप अपनी बहाली की प्रक्रिया को सुनिश्चित करके उन्हें रोजगार में रोजगार देने की कोशिश करें और सरकार 19 लाख रोजगार के वादों पे सटीक उतरे। सबसे बड़ा सवाल है अर्जुन जी कि बहुत लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी रुक गई है, बहुत महिलाएं अभ्यर्थी हैं जिनकी, जिनको बोला जा रहा है जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी, ऐसा क्यों? देखिए बिहार में उद्योग न होने के कारण बिहार के जो हमारे युवाएं हैं या युवतियां हैं वे सभी इतने संघर्षशील होते हैं कि सरकारी नौकरी की कम्पिटेटिव एग्जाम जो इतना टफ होता है उसे क्लियर करने के बाद अपने आप को एक सफल इंसान समझते हैं और सरकारी जॉब को अपने क्या बोलते हैं उसको, सरकारी जॉब को ना वे लोग अपनी ईमान से, अपनी सामाजिक ऊंचाइयों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि वे लोग चाहते हैं कि जब मैं रोजगार में आ जाऊं, जो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊं, तब मैं अपने परिवार को चलाने में सक्षम हो पाऊंगा, इसलिए शादियां नौकरी के बाद ही करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां होगी शादी के बाद उसे मैं सही से सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो पाऊंगा, इसलिए वे लोग शादियों को नौकरी के साथ जोड़कर देखते हैं। और ऐसे भी गार्जियन भी कहते हैं कि पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब होगा। और सरकार जो एस्टेट 19 का हमारा मेरिट का मुद्दा है, ऐसे लोगों को हम लोगों को भटका रही है। कई लोगों की शादियां टूट चुकी हैं क्योंकि वे मेरिट में आ गए तो लोगों को लगा कि भाई अब तो नौकरी हो गई। लड़की के भी गार्जियन खुश हो गए कि चलिए हम जॉब वाले से शादी कर रहे हैं, और ऐसे में अचानक इस तरह की बातें आती है तो शादियां टूटने लगी, कई लोगों की शादियां टूट गई, कई लोगों की शादियां होनी थी वो तो बर्बाद हो चुके हैं। तो इस तरह से सामाजिक प्रताड़ना हम लोगों के बीच में है, जो समाज में हम लोगों ने हला कर दिया, शोर शराबा कर दिया। इस शिक्षा मंत्री ने हम लोग को कह दिया कि नौकरी हो गई, अब 24,599 जो हम लोग मेरिट में आए थे, 30,675 जो हम लोग मेरिट में आए थे, वे सभी लोग हम लोगों ने हल्ला कर दिया समाज के अंदर कि हम लोग की अब नौकरियां हो गई है, अब हम लोग पक्की है। तो ऐसे में हम लोग सामाजिक रूप से प्रताड़ित है। आए दिन धरना प्रदर्शन पे आप लोग बैठते हैं लेकिन सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंग रहा, ऐसा क्यों? देखिए सरकार, अब सरकार के ऊपर ज्यादा कटाक्ष नहीं, सरकार से हम अनुनय भी नहीं करेंगे। सरकार को हठधर्मिता नहीं अपनाना चाहिए, सरकार हमारी बातों को समझे,
हम युवाओं जो हैं वे सड़कों पे दिन रात हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी 30 नवंबर को विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। 30,675 मैरिट के अभ्यर्थी जो स्टेट 19 में है, हम सभी लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, चूंकि 19 नवंबर से शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। वहाँ बिहार के सभी 243 विधायक उपस्थित होंगे, उनके समक्ष हम अपनी बातों को रखेंगे। 26 जून को शिक्षा विभाग के द्वारा एक काला फरमान जारी करके बिहार में ऐसी पहली बार हुआ है कि मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया गया है, जबकि ये दो शब्द विपरीतार्थक हैं। मेरिट बोलो तब नॉन मेरिट आएगा, नॉन मेरिट बोलो तो मेरिट आएगा, तो कैसे मेरिट और नॉन मेरिट बराबर हो सकता है? दिन और रात की कल्पना की नहीं जा सकती कि दिन बराबर रात या रात बराबर दिन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल को कभी एक समान बोल ही नहीं सकते। तो जब ऐसा है तो कैसे आप मेरिट को नॉन मेरिट के बराबर कर सकते हैं? और एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो आपको मेरिटेरियस टीचर ही दे सकते हैं ना। आपकी इज्जत, आपकी जो आपका जो सम्मान है, आपका बिहार का जो गौरव है, उसमें मेरिटोरियस टीचर का ही योगदान होगा, जिससे पुनः प्राचीन काल की हमारी नालंदा विश्वविद्यालय की जैसी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो फिर से कायम हो सके और बिहार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होगा, तो मेरिटोरियस टीचर ही कर सकते। तो आपने सुन लिया, हमारे साथ एसटीटी के मेरिट अभ्यर्थी अर्जुन थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सरकार को जल्द से जल्द इनको नियुक्त किया जाए और इन पर ध्यान दिया जाए। आपको हम बता दें कि जो शिक्षक अभ्यर्थी आए दिन सड़कों पर भटकते हैं, लेकिन सरकार का इन लोगों पर ध्यान नहीं जा रहा है। करीब 30,675 मेरिट अभ्यर्थी हैं, आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन पर बैठते, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। अब देखना ये होगा कि इनके साथ क्या इंसाफ होता है। बहुत कोई ऐसे भी हैं जिनकी शादियां रुक गई हैं, बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका शादी नौकरी होने के बाद होगा। अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे पंचायत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।